हाय जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 24 जनवरी 2020 और अभी बच्चों के सुबह के 9। राज जॉब पे जा चुके हैं, जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में कहा आपको कि राज की ड्यूटी फिर से चेंज हो गई है। उनकी ड्यूटी अभी सुबह हो गई है और फिर शाम को ऐसे हो गई है, मतलब सुबह 9 से 1 बजे तक, देन उसके बाद 4 से रात को 9 बजे तक ऐसे हो गई है, और बीच में 3 घंटे का गैप ऐसा हुआ है। तो रात जॉब पे जा चुके हैं, मेरे नहाना हो चुका है, चाय नाश्ता हो गया, अभी घर के सारे काम करने और खाना बनाना है। तो मैं आज सोच रही हूँ खाने में, और कल रात का ना राइस है, मतलब कल रात मैंने राइस बनाया था ना, तो राइस है थोड़ा सा, मैं सोच और आटा भी लगा हुआ है, तो सोच चपाती बना दूँ और मिक्स दाल के आमटी बनाऊँ, जो कि हम महाराष्ट्र में लोग बनाते हैं, जैसे कि आप दाल ही बोल सकते बट महाराष्ट्र में उनको उसको मिक्स दाल की आमटी बोलते हैं। तो मैं वो बना सोच रही, तो दाल मतलब थोड़ी चटपटी बनेगी, तो दाल चपाती मतलब वो आमटी चपाती और राइस ऐसा हो जाएगा, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और कल के मतलब आज जो मैं वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ उसमें मैंने मेरी हमारी कॉलेज लाइफ की स्टोरी बताई है, उसमें मैंने कहा है कि मेरी फ्रेंड प्रेग्नेंट है वगैरह वगैरह, जो सब कहा था ना, उसको बेबी बॉय हो चुका है, कल हुआ है शायद, मतलब पूरी ज़्यादा बात नहीं हुई उसका, कल रात को बस मैसेज आया था, परसों रात को उसका एडमिट किया था 9:30, मतलब यहाँ के 9:30 बजे, इंडिया के 8 बजे, और कल शाम को इंडिया के 6:30 बजे मुझे मैसेज आया कि हाँ बेबी बॉय हुआ है। अब कब हुआ वो तो नहीं पता चला, मतलब ज़्यादा बात नहीं हो पाई मेरी उसके साथ, बट इतना ही उसने बोला कि बेबी बॉय हुआ है और सीजरियन हुआ है। अब वो क्यों हुआ क्या हुआ वो मुझे इतनी प्रॉपर तरीके से पता नहीं है, क्योंकि वो मोस्टली चाहती थी कि वो नॉर्मल डिलीवरी करे, क्योंकि और उसकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल भी थी, क्योंकि लास्ट अभी वो 2-3 दिन पहले जब डॉक्टर के पास गई थी ना, उसकी मेरी बात हुई, तो डॉक्टर ने उसको कहा था कि बेबी का हेड भी डाउन है तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन फिर भी सीजेरियन क्यों हुआ पता नहीं। तो उसकी अगर मेरी बात होती ना उससे, क्या होता है क्यों हुआ वगैरह थोड़ा क्लियर हुआ ना, तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी, अगर उससे आपको कुछ फ़ायदा होने वाला हो या उसने कुछ गलती की हो या डॉक्टर की कुछ फॉल्ट हो, कुछ भी उसने बताया ना, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप भी प्रेग्नेंट हो तो आपके साथ थोड़ी हेल्प, आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी उस, मतलब होता है ना एक दूसरे का एक्सपीरियंस जान के भी हमें कुछ समझ जाता है उस तरीके से, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसकी सीजेरियन हुई, अभी क्यों हुआ वो तो नहीं पता, तो वो अभी जब उससे बात होगी थोड़े 1-2 दिन में तो मुझे पता चलेगा क्लियर कि क्या हुआ, क्यों सीजेरियन हुआ और वे सब बातें। बट हाँ, गुड न्यूज़ ये है कि उसको बेबी बॉय हो चुका है। और पता है परसों रात से मुझे टेंशन था कि यार भगवान करे जल्दी हो जाए, क्योंकि मैं उस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ, मुझे पता है ना कितना हार्ड होता है, ऐसा लगता है यार जल्दी से ये जर्नी पार हो जाए वगैरह से हो जाता है, तो फाइनली हो गया, अभी सीजेरियन हुआ। और उसको सीजेरियन बिल्कुल नहीं चाहिए था, क्योंकि उसकी कोई कॉलेज की दूसरी फ्रेंड थी, मतलब वो इंजीनियरिंग कर रही थी ना पूना में, तो उसकी भी सीजेरियन हुई थी, तो उसके बाद ना उसको पेट में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, कैंसर हुआ था कुछ तो हुआ था, बड़ा सा कोई प्रॉब्लम उसने बोला था, तो उसको वो डर था, इसलिए वो बोल रही थी कि मुझे सीजेरियन नहीं चाहिए, उसके बाद उसको वो प्रॉब्लम हुआ था ऐसा ऐसा, तो हमारी बहुत बातें होती थी, उसको नहीं चाहिए था सीजेरियन, बट पता नहीं फिर भी हो गया, तो अभी पता नहीं क्या कर सकते ना, तो देखते भी उसकी अगर बात होती मेरे से ना, मतलब मेरे उससे बात होती है और क्यों सीजेरियन हुआ अगर क्लियर होता है ना, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर कुछ मतलब क्या बोलते उसने अगर कुछ गलती की, जैसे मैंने कहा या डॉक्टर मतलब क्या फॉल्ट हुआ, नॉर्मल डिलीवरी का सी सेक्शन क्यों कन्वर्ट हुआ, अगर ऐसा कुछ रीज़न ऐसा रहा कि बताने लायक, तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस वही, और बाकी तो कुछ नहीं। और मैं नए क्रिएटर से कुछ बोलना चाहती हूँ, नए क्रिएटर्स या चैनल वाले कोई भी हो, मतलब उनसे कुछ बोलना चाहती हूँ। अभी फिलहाल क्या हो रहा है पता है, आज मतलब ये 7-8 दिन से मैं देख रही हूँ, लोग क्या करते पता है, जिनके चैनल है वो, मैं देखिए मैं ना आपके ये नहीं करती, मुझे पता है मैंने भी ये सब किया है, मुझे भी ऐसा लगता था कि यार हमारे चैनल पे व्यू नहीं आ रहे तो कुछ तो करो, मतलब बहुत कुछ हम करने की कोशिश करते, बट मैं एक बात बताऊँ क्या, चैनल देखिए आप अगर दूसरे के चैनल पे जाके लिंक देते हैं अपने चैनल की ना, तो ये स्पैम होता है, उससे आपके चैनल को भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपका न्यू चैनल है, और जिनके चैनल पे आप जाके दे रहे हैं ना, अभी आप मेरे चैनल पे दे रहे हैं और किसी के भी चैनल पे दे रहे हैं, तो इससे हमें भी प्रॉब्लम होता है कि सामने वाले आके आपको स्पैम दे रहा है। और देखिए आपके चैनल पे आके अगर हम आपको स्पैम दें तो आप भी नहीं जाएंगे ना, तो मैं आपको एक बात बताऊँ क्या, देखिए इसका आप गलत मतलब मत समझिए, या ऐसा भी मत समझिए, या इसका आप ये भी मत समझिए कि मैं बहुत घमंडी हो गई हूँ कि मैं नहीं बता रही हूँ ये सब, बट मैं आपको क्लियर फैक्ट समझाती हूँ। देखिए जिनके न्यू चैनल उनके लिए मैं बात करती हूँ, जो ऐसा कर रहे वो, तो देखिए पिछले 8-10 दिन से ये हो रहा है ना, मतलब डेली की मुझे 1-2 ऐसे कमेंट आते हैं कि वो उनके चैनल की लिंक दे देते हैं, या कमेंट सेक्शन में आके ये लिखते हैं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना मेरा यूट्यूब चैनल, यूट्यूब ये जो वर्ड है ना ये स्पैम है। पहली बात तो आपको मैं एक बात थोड़ा सा समझा देती हूँ, देखिए अगर आप चैनल वाले हैं ना तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको सबसे पहले जब आप चैनल क्रिएट करते हो तो आपको सबसे पहले टेक्निकल के कुछ वीडियोस देखना चाहिए कि यूट्यूब पे क्या चीज़ें चलती है क्या चीज़ें नहीं चलती, ये आप पहले देखिए, उससे ना आपको फायदा होगा। मैंने जब अपना चैनल क्रिएट किया था ना उस टाइम पर मैंने ये सब बहुत पहले जान के रखा था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होता है हम दूसरों को भी मतलब दूसरे के चैनल को भी प्रॉब्लम देते हैं और हम अपने चैनल को भी प्रॉब्लम करें। अगर देखिए
आप अगर 2 महीने से मेहनत कर रहे या आपने 1 महीने से मेहनत कर रहे और आप ऐसे जाके दूसरों को स्पैम दे रहे, तो उसमें अगर आपका चैनल गया या कुछ भी प्रॉब्लम हो आपके चैनल को, तो फिर फायदा नहीं ना आपके 1 महीने की मेहनत का। बट अगर आप दूसरे के चैनल को जाके स्पैम दे रहे, तो उस सामने वाले बंदे की 1 साल की मेहनत होगी, 2 साल की मेहनत होगी, जो भी होगी, तो उसको भी आप ये करें ऐसा भी अच्छा नहीं ना। तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए आप जो ये कर रहे हैं ना कि दूसरे के चैनल पे, मतलब ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोलूँ कि आप मेरे ही चैनल पे, भले आप किसी और के भी चैनल पे जाके दे रहे होंगे। मैंने 1-2 लोगों को क्या किया, उनके कमेंट सेक्शन में जाके उनको बताया कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, तो वो समझ गए। बट कुछ लोग क्या करते हैं, आके डायरेक्ट लिंक शेयर करके निकल जाते। तो मैं आपको बता, पहली बात तो मेरे चैनल पे ये करके कोई फायदा ही नहीं, उसके मैं रीजन बताती हूँ मैंने क्या किया। पता है क्या, देखिए जब हमारा यूट्यूब का मतलब क्रेडिट स्टूडियो होता है ना, उसमें एक फंक्शन रहता है, वहां पे ऐसा रहता है कि आप कुछ वर्ड्स कीवर्ड रख सकते हैं, मतलब कि कुछ वर्ड स्पैम में रख सकते हैं, कि अगर सामने वाला बंदा आके आपके कमेंट सेक्शन में ये लिख के जाता है ना, तो वो रिव्यू में जाता है या स्पैम में चला जाता है। तो स्पैम में अगर आपने मेरा वीडियो बिना देखे आपने वो कमेंट करके गए हो ना, तो वो जो कमेंट है वो स्पैम में जाएगा। तो उस कमेंट सिर्फ आपको दिखेगा और मुझे इसमें दिखेगा, स्पैम में दिखेगा, बट बाकी किसी भी लोगों को दिखेगा नहीं। तो आपने आके ये भी कमेंट किया ना कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या मेरे चैनल की लिंक के ये यहाँ पे आके देख लो मेरे वीडियोस, तो भी किसी को भी नहीं दिखते क्योंकि वो मेरे रिव्यू में रहते हैं, और जब मेरे रिव्यू में रहते हैं मैं देखती हूँ कि सामने वाले की लिंक है, तो मैं डिलीट मार देती हूँ। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड चीज की मैंने जैसे कहा, वो जो एक ये रहता फोल्डर रहता, उसमें मैंने वो कुछ वर्ड्स डाल के रखे, जैसे कि जो स्पैम वर्ड यूट्यूब पे, कि यूट्यूब वर्ड या सब्सक्राइब कर लो, कोई कोई आके लिखता है कि मेरे चैनल को देख लीजिए, ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स है ना, ऐसे जो कुछ कुछ वर्ड्स है ना, वो मैंने स्पैम में वो इसमें डाल के रखे वो वर्ड्स में, तो वो सब मेरे रिव्यू में आते, तो मुझे पता है कि आपने मेरे वीडियो देखा है कि नहीं देखा, समझ में आ जाता है। तो उसके बाद अगर मुझे लगता है ना कि ये स्पैम है, तो मैं डिलीट मार, और लिंक रहे तो डेफिनेटली डिलीट मार देती हूँ मैं, क्योंकि लिंक रखना ही स्पैम होता है। और आपको मैं एक बात बता दूँ अभी, और एक देखिए, आप लोगों को नॉर्मली दिख रहा होगा मेरे चैनल पे फिलहाल 500 से 700 व्यूज आ जाते हैं नॉर्मली, कभी कभी कम आ जाते, कभी कभी ज्यादा हो जाते, बट नॉर्मली 500 व्यू आ जाते, ठीक है। अब मेरा ही और एक चैनल है, मराठी मुलगी इन थाईलैंड, मींस मराठी चैनल है, जो कि मुझे पब्लिक की डिमांड थी कि मैं मराठी में ब्लॉग करूं। आपको मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ, आप लोग देखिए, मेरे वो चैनल पे यहाँ पे मेरे 5,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स है, उसमें से मराठी एटलीस्ट 100 लोग तो होंगे, 100-200 तो होंगे, लेकिन वो चैनल पे मेरे सिर्फ 30 या 29 ऐसे कुछ सब्सक्राइबर है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और मेरे वो चैनल पे अभी देखिए, यहाँ पे भी मैं ही हूँ, वहाँ पे भी मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ पे कितने व्यूज आते आप देख सकते, वहाँ पे 30, 40, 55 ऐसे कुछ व्यूज आते वहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा ही चैनल है, यही मेरे चैनल पे लोग राज को देखना पसंद करते हैं, जब राज हस्बैंड वाइफ के ब्लॉग हो। परी उड़ गई इसलिए मुझे नीचे बैठना पड़ा। तो यही मेरे चैनल पे लोग राज को देखना पसंद करते हैं, बट राज का जो चैनल है डिलीशियस रेसिपीज विद राज, यही चैनल पे मेरे लोग राज की रेसिपीज भी पसंद करते, बट राज के चैनल पे देखे कितने व्यूज आते, जबकि उनके सब्सक्राइबर भी 700-800 हो चुके पहले से, बट फिर भी उनके चैनल पे आप देख सकते कितने व्यूज आते, 30, 40, 50। तो वो भी एक बात हो गई कि मतलब मेरे ही चैनल हो गए, मुझे भी उसका कोई फायदा नहीं, जो कि अगर मैं अपने चैनल का तो प्रमोशन करती ही हूँ, अगर मेरे दूसरे किसी चैनल पे वीडियो आते हैं तो वो मेरे यहाँ पे प्रमोशन करती हूँ, फिर भी कोई फायदा नहीं होता है। और दूसरी मैं एक बात बताती हूँ, मेरे चैनल पे कितने लोग परी को प्यार करते, कितने लोग लिखते आई लव यू परी, परी कितनी क्यूट है, लेकिन परी के चैनल पे देखिए आप कितने सब्सक्राइबर है, सिर्फ 40 या 50 सब्सक्राइबर्स है, और कमेंट देखिए, सॉरी ये देखिए क्या बोलते हैं, व्यूज देखिए कितने आते। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि इतना ये करके कोई फायदा नहीं है, कि आप लोग आपको लगता है ना कि हम दूसरे के इसमें जाके हमें व्यूज आते, जो नहीं आते इससे, आप देखिए ना मेरे ही वीडियोस भी नहीं आते दूसरे चैनल के, सिर्फ मेरे इसी चैनल पे व्यूज आते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हम जो चैनल पे मेहनत करते हैं, हमें बस मेहनत करनी होती है, अगर व्यूवर्स को देखना होगा ना तो वो डेफिनेटली देखेंगे, डेफिनेटली आएंगे। आपको तो मैं बताऊँ, मेरे चैनल तो कभी आज तक कभी मुझे नहीं लगता कि सजेशन में गया होगा किसी के, या मेरा चैनल के वीडियो कभी वायरल भी नहीं हुआ। तो बस हमें मेहनत करनी होती है अपने चैनल पे, तो अपने आप ग्रो होता है। तो आपको लगता होगा ना कि हाँ चलो हम दूसरे के इसमें जाकर लिंक देते हैं तो फायदा होगा, तो नहीं होता है। एक मैं बताऊँ ना, 1% कभी नहीं होता है। मैं अपनी बात करूँ ना, रियल मेरा है ना, अभी आपको तो सामने दिखाया मैंने कि देखिए मेरे चैनल की क्या हालत है दूसरों। तो इसीलिए मैं आपको बोल देती हूँ कि ऐसा मत कीजिए, उससे क्या होता है आपके चैनल को भी प्रॉब्लम होगा, मेरे चैनल को भी प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए आप ऐसा मत कीजिए प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तो अभी मैं सबको जाके बोलूँ, आपको ऐसा देखिए, मुझे ना बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि आप लोगों को लगेगा कि यार मतलब मैं ज़्यादा जानबूझ के करूँ, बट ऐसा नहीं है, आप मेरी मजबूरी समझ लीजिए, ये सच में मेरी मजबूरी है कि ऐसा नहीं चलता। आप कहीं भी टेक्निकल के कुछ वीडियोज़ देखिए, ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि मैं कुछ भी बोली जा रही हूँ और आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, आप
पहले जाके आप जब भी यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं आप पहले जाके टेक्निकल जो वीडियोज देखिए कुछ, उसमें आप समझिए कि यूट्यूब का क्या पॉइंट है। आप देखिए अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो उसके कुछ रूल्स रहते हैं, वैसे यूट्यूब के कुछ रूल्स है, वो रूल्स के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। जैसे कि यूट्यूब का ये रूल है कि आप बाहर का म्यूजिक यूज नहीं कर सकते, तो हम नहीं करते हैं ना, आप भी नहीं करते ना, तो वैसे यूट्यूब का ये रूल भी है कि हम किसी के चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके अपनी लिंक नहीं शेयर कर सकते। मेरे कमेंट सेक्शन में भी कोई लोग मुझे बोलते कि हमें आपकी ये वीडियो की लिंक दीजिए, तो मैं नहीं देती हूँ उनको लिंक, क्योंकि लिंक देना स्पैम होता है। हिंदी वर्ड्स में हम जब लाइव करते हैं ना, तो हिंदी में कोई अगर टाइप करता है तो वो भी स्पैम है। ऐसे कुछ वर्ड्स है कि वो जो स्पैम है तो उसका यूज नहीं होता है। अगर आप बहुत ज्यादा इमोजीज भी यूज करते हैं ना कोई कमेंट सेक्शन में आके, अभी कोई कोई होते हैं ना जिनको बहुत ज्यादा प्यार रहता है तो वो मतलब किस वाले इमोजीज बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसे कुछ करते हैं ना, तो वो भी हमारे स्पैम सेक्शन में जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इमोजीज का यूज करना भी स्पैम होता है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, तो आप समझ लीजिए प्लीज कि मेरी ये मजबूरी है। अब मैं आपको कैसे समझाऊँ, तो प्लीज आप बुरा ना मान के आप अपने चैनल को भी मतलब अच्छे हेल्थीली आगे लेके जाइए, और दूसरों का मतलब हर किसी का जिनको आप दे रहे हैं उनको भी मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ मैं कि उनको भी स्पैम ना दीजिए। तो प्लीज़ इसको मेरी मजबूरी समझ के समझ लीजिए, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, बट आप समझ लीजिए। और बस अपने चैनल में मेहनत करते रहिए, अपने आप एक दिन जाएगा आगे, ऐसा नहीं है नहीं। अब आपको पता है मैंने अपने 5वें मंथ में स्टार्ट किया, जब मेरी प्रेगनेंसी का 5 मंथ चल रहा था उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था, अभी पूरे 6 महीने के हो गए, अभी मेरे 9 मार्च में 1 साल होगा, अब जाके मेरे कहा 5,000 सब्सक्राइबर हुए, अब जाके धीरे धीरे 500 व्यू आने लगे। आप सोचिए 1 साल की मेहनत में 500 व्यू आना कितनी बड़ी ये, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ ना मेहनत। वीडियो के ऊपर ध्यान दीजिए क्या क्या करना चाहिए, तब अपने आप आगे जाएंगे, तो ऐसा मत कीजिए प्लीज़। तो बस बाकी कुछ नहीं, और अभी मुझे खाना बनाना है, मेरी बड़बड़ के चक्कर में परी उठ गई, अभी मुझे मैं खुद से परी को सुलाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात कर दूँ। मुझे आपके मेरे एक शादी के टॉपिक के ऊपर एक बात करनी, वो बाद में बात। डुगु अले पल्लो पल्ल पल्ल नौटंकी मुझे गुंडू।